तो भाई 7,99,000 के एक शोरूम प्राइस में ना ये आपको बसाल्ट का यू मॉडल मिलने वाला है। बेस मॉडल तीन मॉडल में आता है, यू प्लस और मैक्स में आता है, फिर आपको डुअल टोन का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं बेस मॉडल, ऐसा कुछ आपको चाबी वगैरह मिल जाता है 7,99,000 के एक शोरूम प्राइस में। इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है वो आपको टोटल आज के वीडियो में कवर अप करके बताऊंगा, और बेस मॉडल लेने का क्या आपको बेनिफिट मिलता है वो भी आपको बताऊंगा, और लेना चाहिए या नहीं लेने वो आपको वीडियो के एंड में पता चलने वाला है। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं 04 कार्स और ये अपने पास है बसाल्ट का यू मॉडल। देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको आफ्टर मार्केट काम करवाना है तो ये गाड़ी आप कंसिडर कर सकते हो। इवन इस गाड़ी में आपको क्लैडिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि आपको देखिए यू और मैक्स में जो मिलने वाला है। एक चीज़ अच्छा किया बसाल्ट, इसमें आपको टायर साइज जो सेम रखा गया है 205/60R16, जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। बस यहाँ पर आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, स्टील व्हील के साथ ये स्टील कवर दिया गया है। बेस मॉडल कैसे आप पहचानेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरवेम पूरा मैट ब्लैक में मिलेगा, कोई भी एडजस्टेबल नहीं, और LED इंडिकेटर नहीं मिलेगा, इंडिकेटर जो आपको फेंडर में दिया गया है। प्लस और मैक्स में आपको फ्लिप की दिया जाता है, और बेस मॉडल में यू में आपको ऐसा सिंगल की आपको बस मिलने वाला है। प्रोजेक्टेड सेटअप अब इसमें नहीं मिलने वाला, पूरा हेलोजन मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आपको DRL वगैरह भी कुछ नहीं मिलता, क्रोम का आपको फिनिशिंग मिल जाएगा। फ्रंट से आप देखेंगे ना पियानो ग्लॉस ब्लैक टाइप का दिखेगा, लेकिन ये आपको पूरा मैट फिनिशिंग मिलने वाला है। यह फॉग लैंप जो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता, एसेसरीज का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको एसेसरीज मिलने वाला है। बस यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिलेगा, प्रोजेक्टेड सेटअप जो है नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको बेसिकली दो इंजन ऑप्शन मिलता है 1.2 लीटर टर्बो चार्ज के साथ, और ये आपको मिलेगा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा प्योर टेक इंजन के साथ, 80 BHP और निकाल के देगा 150 Nm का टॉर्क। आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो टर्बो इंजन है और ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें आपको ज़्यादा वाइब्रेशन मेरे को लगा, और इंजन साउंड का भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है इसमें अगर आप सुनेंगे तो। ठीक है, बाकी नीचे प्रोटेक्शन वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये आपका रेडिएटर वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा, 6 एयरबैग ABS सब कुछ मिलने वाला है इस गाड़ी में। फ्रंट में वेंटिलेटर डिस्क के साथ, रियर में आपको इस गाड़ी में मिल जाता है ड्रम ब्रेक्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो। 45 लीटर का यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है इस गाड़ी में। कोई भी LED हेडलैम्प्स नहीं मिलेगा बेस से लेकर टॉप तक किसी में भी, बस डिफ्यूजिंग फॉर्म में आपको ऐसा कुछ जलता हुआ मिल जाएगा। बाकी ये आपको इस गाड़ी में ना 7,99,000 के शोरूम प्राइस में ऑन रोड आता है 9.5 लाख तक, मोटा मोटा मान लो कूपे वाला मजा मिलेगा आपको इसमें, स्पेशियस बहुत ज्यादा है। अब आते हैं मेन गाड़ी में बूट स्पेस की और सीट्रॉन की बैजिंग, बसाल्ट का बैजिंग। रिवर्स में यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, कैमरा नहीं मिलने वाला, कैमरा बस एसेसरी के पार्ट में लगाया गया है। नंबर प्लेट के लिए LED लैंप आपको ऑफर कर दिया जाता है। बूट स्पेस यहाँ से आप नहीं खोल पाएंगे। ठीक, बूट स्पेस मैंने फ्रंट से खोल दिया, 470 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। पार्सल ट्रे वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा, अच्छा खासा बूट स्पेस है। ठीक, स्पेयर व्हील इसमें नहीं दिया गया है, देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको दिया गया है, लेकिन ये एसेसरीज अब इस गाड़ी में लग चुका है, तो आपको पूरा एसेसरीज वाला मिलेगा। 2 ही पावर विंडो मिलेंगे रियर के लिए, यहाँ पे आपको पावर विंडो नहीं दिया गया है। पूरा मैट फिनिशिंग में, कोई भी क्रोम गार्निशिंग नहीं मिलेगा अंदर में। ठीक, 4 स्पीकर का एसेसरीज लगा दिया गया, और इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पे आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। बूट स्पेस तो हमने देख लिया, ऐसा अच्छा खासा आपको मिल जाता है, तो बूट स्पेस वाला गाड़ी चाहिए तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो। पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, इसको करते फिलहाल बंद। ये पकड़ने का थोड़ा सा इजी टू यूज़ नहीं है, एटलीस्ट ऐसे देते तो भी समझ आता, ऐसे पकड़ने में बंद करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो ये हमने देखा एक्सटीरियर से ऐसा कुछ बसाल्ट बेस मॉडल क्लैडिंग्स और आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको पूरा गाड़ी मिलने वाला है। और कंफर्ट वगैरह बात करूँ तो एक्चुअल में है MacPherson के स्टड्स मिल जाते हैं फ्रंट में, और रियर में आपको रियर ट्विस्ट भी मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिल जाएगा। C3 एयरक्रॉस में भी हमने देखा है इस गाड़ी का कम्फर्ट अच्छा खासा है, तो यहाँ पर आपको कम्फर्ट के साथ साथ कूपे वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। बाकी फ्रंट से आपको C3 एयरक्रॉस दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने पास प्लस मॉडल है, तो प्लस में भी आपको प्रोजेक्टेड सेटअप मिलेगा, LED मिलेगा, DRL मिलेगा और ऐसा कुछ दिया गया, लेकिन यू मॉडल में ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, टॉप मॉडल में आप कंसीडर करते तो आपको 15 लाख तक, ऑलमोस्ट जो है 15.5 लाख तक मोटा मोटा ये कूपे डिजाइन वाला बसाल्ट जो मिलने वाला है। और रियर में जैसे अपन बैठेंगे इस गाड़ी में, जैसे कि आपको पता है टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक में आपको थाई सपोर्ट एक एडजस्टेबल वाला मिल जाता है, इसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिया गया है, और रियर के लिए AC वेंट्स यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले हैं, ना तो केबिन लैम्प मिलेगा, ना तो AC वेंट्स मिलेगा, ना तो यहाँ पे आपको पावर विंडो जो है मिलने वाला है, स्पेस बस मिलेगा आपको। बाकी
ये सब चीज़ों से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं, स्पेस वगैरह मिलेगा, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलेगा और एक नया डिज़ाइन का गाड़ी आपको मिल जाएगा। 10 लाख ना ये बेस मॉडल को आप कंसिडर कर सकते हो। अब चलते हैं मेन गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर की ओर। ठीक, फ्रंट की अगर बात कर लेते हैं, सीट और वही है, कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलेगा, बट ओनली रिक्लाइन आपको मिलेगा। सामने यहाँ पे आपको 4-way एडजस्टेबल मिल जाता है। स्पीकर के प्लेसमेंट यहाँ पे आपको एसेसरीज में मिलने वाला है, 2 power windows मिलेगा और कोई भी क्रोम डोर हैंडल्स नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, बूट का ओपन कर सकते हैं। फॉग लैम्प का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये एसेसरीज का पार्ट जो है लगाया गया है। और हेडलैम्प के लेवलिंग कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, चाबी का इंसर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ। अपन गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है क्या? इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आ रहा है, ये एसेसरीज का पार्ट लगाया गया है। आप चाहें तो शोरूम से लगवा सकते हैं, अदरवाइज आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। ये पार्ट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। गाड़ी हो और म्यूजिक सिस्टम ना हो तो फिर किस बात का गाड़ी है वो। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ऐसा कुछ मिल जाएगा, छोटा सा MID वाला, सारे के सारा कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी और एवरेज वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बचा है। ठीक, बस इसके अलावा कोई भी और कंट्रोल्स नहीं मिलता है स्टीयरिंग व्हील में। और यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग दिया गया, भले आपको लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलेगा बट डी कट स्टीयरिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है सिट्रॉन। ठीक, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट जो है इस गाड़ी में नहीं मिलता है। ठीक है, इस बेस मॉडल में आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलता। और एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपको बताया 1.2 लीटर टर्बो में 6 speed आता है, इसमें आपको 5 speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। तो ये हमने देखा बेस मॉडल में आपको टर्बो चार्ज नहीं मिलेगा, और वो चाहिए तो आपको प्लस मॉडल से जाना पड़ेगा। स्पेस के साथ ऐसा कुछ 12 का चार्जिंग सॉकेट इस साइड आपको दिया गया, USB सॉकेट वगैरह नहीं मिलेगा, कप होल्डर यहाँ पे आपको दे दिया जाता है, स्पेस की कोई भी ऐसा कमी नहीं है। आर्मरेस्ट इस गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला है, डे एंड नाइट IRVM यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, डे एंड नाइट IRVM जो है आप यू में जा सकते हैं, सॉरी प्लस में आप जा सकते हैं, बाकी इसको मैनुअली आप एडजस्ट कर पाएंगे। हेलोजन केबिन लैंप टॉप मॉडल में भी यही रखा गया है, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर में कोई भी टिकट होल्डर भी नहीं है, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी नहीं मिलने वाला है। 6 airbag ABS CVT बेस मॉडल से आपको मिल जाता, तो ये सारी चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्लस वाले मॉडल को भी कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा अच्छा लगा एक बार मुझे कमेंट में बताना, यू प्लस मैक्स कौन सा आप कंसिडर करेंगे बसाल्ट में, क्योंकि इस गाड़ी का ना बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक कोई भी ज़्यादा प्राइस नहीं रहा है। 15 lakh के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा मॉडल मिल जाएगा बसाल्ट में। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।